Hello dear friends, I welcome you again in my class. So last time we were discussing about the syllabus of 10th class in sinus subject. And we know that there are three portions, that is physics, chemistry and biology. In physics they had five chapters that includes optics, refraction and reflection, the eye, colorful world, third is electricity, fourth is magnetic effect of current, fifth is sources of energy. Now the second part, that is chemistry part, it includes first chapter is chemical reactions and equations, second chapter includes periodic classification of elements, third chapter includes carbon and compounds, fourth is metals and non-metals, and the last one is acids, bases and salts. In biology part we have six chapters. First chapter is life processes, second chapter is control and coordination, third chapter is living organism reproduction, fourth chapter is genetics and heredity, and fifth chapter is our environment, and the last important chapter is what are the management of natural resources. Okay, natural process of management. Now we will start with chemistry portion. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम देखेंगे अपने इर्द गिर्द या अपने होम में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक अगर हम दूध जो होता है मिल्क kept in summers, दूसरा चीज जो होता है हमारे आसपास वो है अगर हम कोई सा भी लोहे का लेंगे नेल, और इसमें हम लेंगे लोहे का रॉड कोई, इट्स kept alone फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिमिलरली लाइक अगर हम देखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये प्रोसेसेस कुछ है, मिल्क कैप्ट इन समर्स, नेल रॉड इन कैप्ट अलोन फॉर सम सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एंड थर्ड वन इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फोर्थ अगर हम देखेंगे सिमिलरली हम देखेंगे कि हम कोई मील पका रहे हैं, मील मेकिंग, सिमिलरली फिफ्थ इज डाइजेशन, सिक्स्थ वन रेस्पिरेशन, सिमिलरली देयर आर मेनी अदर थिंग्स वी कैन कॉल देम, हम इनको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अगर हम दूध रखेंगे कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर कुछ कर्ड आता है, सिमिलरली अगर हम नेल रखेंगे उस पे क्या होता है, वो रस्ट होता है, उस पे कोरोजन होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। सिमिलरली अगर हम ग्रेप्स रखेंगे उनमें फर्मेंटेशन होती है, उसमें इथेनॉल बनता है। सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, मील बनाएंगे, मील में पहले अलग अलग तरीके के पकवान होते हैं, फिर वो फाइनल हमारा बनता है, डाइजेशन होते हैं हमारे स्टोमक में, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। एंड रेस्पिरेशन जो हम करते हैं इनहेल, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है, तो हम आसपास अपनी सोसाइटी में अगर देखेंगे जहाँ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी दो चार देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या मसला क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अगर हम कुछ यहां एक्टिविटीज करेंगे, सिंपल एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी जो है, अगर हम एक मैग्नीशियम रबर, एक मैग्नीशियम रबर है, इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले हम वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे मैग्नीशियम रबर को, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम के थ्रू जलाएंगे,
जो लेफ्ट पार्ट इसमें रहा उसको हम एक चाइना डिश में या किसी भी डिश में डालेंगे, ठीक है। दिस इज वन एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी है। हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, इसको थोड़ा बहुत साफ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे फ्लेम या किसी बर्नर के साथ इसको जलाएंगे। जो लेफ्ट बचा खुचा है उसको हम एक गिलास या किसी चाइना डिश में हम लेंगे। दूसरी एक्टिविटी क्या करेंगे हम, दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे हम टेस्ट ट्यूब में। लेड नाइट्रेट जो है इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब में, मैंने बड़ा बना दिया, ये छोटा होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसको हमने, और साथ में हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। हम इसको थोड़ा बहुत शेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज हो गई, वेदर देयर इज केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे, कौन सा चीज वहां हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। हमारा मेन फोकस किस पे है, हमारा मेन फोकस है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। हमने एक्टिविटीज की, पहली वाली एक्टिविटी हमने मैग्नीशियम को जला दिया, दूसरी एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट उठा के उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। एंड थर्ड एक्टिविटी जो है सिंपल एक्टिविटी है, हम कुछ जिंक के कुछ बटन्स या टैबलेट्स इनको हम एक कोनिकल फ्लास्क ऐसी होती है, ठीक है, इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कुछ डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स। हम देखेंगे कि कुछ हो गया इसमें, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। हमने तीन एक्टिविटी की, पहली एक्टिविटी में हम मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको साफ करके उसको जला दिया, जो उसमें बचा कुचा है उसको चाइना डिश में ले लिया। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम लेड नाइट्रेट ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब में, साथ में उसको पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत शेक करके हम रखेंगे ऐसे। तीसरे एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम जिंक का कुछ टैबलेट्स लेते हैं एक कोनिकल फ्लास्क में, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे या तो कंसंट्रेटेड HCl या हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों एक्टिविटीज हो गई। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर ये चीजें हो गई, इफ देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, अगर स्टेट का चेंज हो गया, अगर सॉलिड फॉर्म में हमारा था ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में था ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, या पहले वेपर फॉर्म में था सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, समझ आ रहा है आप लोगों को, हम इसको बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज जो है यहां इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या हो जाएगा, गैस वहां से पैदा हो गया, गैस निकलना शुरू किया, हम इसको बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई। सिंपल है, पहले में क्या है चेंज ऑफ स्टेट, दूसरे में क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और तीसरे में क्या बोल सकते हैं हम कि जो रिएक्टेंट्स है वो चेंज हो गए प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट था रिएक्टेंट का वो कम हो गया, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया, ठीक है, अमाउंट चेंज। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज चेंज इन कलर, सो हम केमिकल रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ देयर इज चेंज इन स्टेट, अगर सॉलिड फॉर्म में था लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, दूसरा देयर इज इवॉल्वेशन ऑफ गैस, गैस निकलना शुरू किया, तीसरा चीज क्या है अमाउंट चेंज हो गया, रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट बन रहा है,
ठीक है, या दूसरा चीज हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि देयर इज चेंज इन कलर, हमारे पास पहले कलर नहीं था, अब कलर हो गया, ठीक है। सो हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो हमने तीन एक्टिविटीज पहले किए उनमें भी यही होता है, उनमें भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या चेंज ऑफ कलर हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर थिंग्स वी कैन डिस्क्राइब इट एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन तब होती है व्हेन देयर इज चेंज इन कलर, व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट, व्हेन देयर इज चेंज इन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ स्टेट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।